कुशल मल्ला ने तो आज है वो कमाल ही कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल वर्सेज मलेशिया मैच के अंदर कुशल मल्ला की। जी कुशल मल्ला जो है, जो उन्होंने आज जो बैटिंग की है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी दिन हो गए ऐसी बैटिंग देखे को, क्योंकि कुशल मल्ला काफ़ी मैचेस के अंदर ड्रॉप चल रहे थे, डाउन है वो चल रहे थे। कुशल ब्रूटियर काफ़ी हद तक अच्छे चल रहे थे, तो आज फिर से कुशल मल्ला की जो ज़बरदस्त पारी देखी है उसके अंदर जिस प्रकार से कुशल मल्ला छक्के पर छक्का लगा रहे थे, उससे लगता ऐसा था, पहले ही पता चल गया था कि कुशल मल्ला आज फॉर्म में है। और इसी के कारण जो कुशल मल्ला को है वो मैच के बाद दो अवार्डों से सम्मानित है। वो किया गया कुशल मल्ला को, पहला अवार्ड है वो दिया गया मैन ऑफ द मैच के लिए, जिसका प्राइस है वो था 50,000 रुपये। जी हाँ, कुशल मल्ला को 50,000 रुपये का मैन ऑफ द मैच अवार्ड है वो दे दिया गया। और उसके बाद दूसरा अवार्ड है वो कुशल मल्ला को मिला बेस्ट सिक्स बनाने का, मतलब अच्छे सिक्स मारने का जो अवार्ड है वो भी कुशल मल्ला को आज मिला, क्योंकि उन्होंने 7 छक्के है वो आज नेपाल वर्सेज मलेशिया मैच के अंदर लगाए, जो किसी भी बैट्समैन के लिए एक मामूली बात नहीं होती है, काफ़ी बड़ी बात है 7 छक्के और 4 चौके लगाना किसी भी मैच के अंदर। तो कुशल मल्ला ने 7 छक्के और 2 चौकों की सहायता से है वो 65 रन बनाए 34 बॉलों के अंदर। तो 34 बॉलों के अंदर 65 रन बना दिए, ये भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है किसी भी बैट्समैन के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे कितना ही फेमस बल्लेबाज क्यों ना हो। और कुशल मल्ला जो है वो तो जाने जाते ही हैं छक्कों के लिए, क्योंकि जो नेपाल वर्सेज मंगोलिया का जो आपको मैच याद ही होगा, उसके अंदर जो छक्के लगाए थे कुशल मल्ला ने, क्या बात कर, मतलब गजब का परफॉर्मेंस है वो दिखाई कुशल मल्ला ने। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली नेपाल की बड़ी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच गए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज के साथ।